Hello to all my dear students. Hope you all are well. So today we are going to start in English chapter number 7 at the zoo. Okay, for that hum log dekhenge ki is chapter mein kya hai. So let's start our chapter. ज़ू में अलग अलग एनिमल्स होते हैं, जैसे कि मंकी, जिराफ, एलिफेंट, लायन, राइट? ये है पूरे ज़ू के एनिमल्स. ओके, अब आप लोग को एक मैं स्टोरी बताऊंगी. ओके, सो फर्स्ट स्टोरी में है सीमा एंड आनंदी. ये है टू फ्रेंड्स. सी, सीमा एंड आनंदी. तो सीमा बोलती है व्हाट्स इन दैट पॉन्ड. वो एक क्वेश्चन करती है आनंदी को कि उस पॉन्ड में क्या है. तो आनंदी बोलती है इट्स अ डक. देखो स्टूडेंट्स, आनंदी ने क्या कहा कि उस पॉन्ड में एक डक है, पर डक नहीं है उस पॉन्ड में, हमें कुछ और ही दिख रहा है, राइट? तो सीमा बोलती है नो इट्स नॉट, कि वो डक नहीं है. आनंदी फिर क्वेश्चन करती है इज इट अ फिश, क्या वो फिश है. तो सीमा बोलती है नो इट्स अ क्रोकोडाइल, वो एक मगरमच्छ है. सो नेक्स्ट आप लोग देख सकते हैं एक बॉय और एक गर्ल है, और एक ट्री पे, ट्री की ब्रांच पे एक बर्ड बैठी है, राइट? सो यहाँ पर है उस बॉय का नाम है राजा और गर्ल का नाम है प्रिया. तो गर्ल क्वेश्चन पूछती है, प्रिया राजा को पूछती है व्हाट्स ऑन दैट ट्री, उस ट्री पर क्या है, ट्री के ऊपर. तो राजा बोलता है कांट सी, मैं नहीं देख सकता. तो प्रिया बोलती है टेक वन हिंट इट हैज़ विंग्स. अब मैं तुझे एक एग्जांपल देती हूँ, हिंट देती हूँ कि उस ट्री पे जो चीज़ है उसके पास विंग्स है. ओके, तो राजा बोलता है इज इट अ बटरफ्लाई, क्या वो बटरफ्लाई है. तो प्रिया बोलती है नो दैट्स नॉट करेक्ट, वो सही नहीं बोला तुमने. तो राजा फिर से क्वेश्चन पूछता है इज इट अ बी, क्या वो एक बी है. तो प्रिया बोलती है नो इट्स नॉट अ बी इट्स अ बर्ड. तो प्रिया क्वेश्चन जब पूछती है कि व्हाट्स ऑन द ट्री, तो राजा ने अलग अलग क्वेश्चंस पूछे बट वो सही नहीं था. तो प्रिया बताती है कि नहीं इट्स अ बर्ड. ओके, नाउ नेक्स्ट स्टोरी है रीमा और रोहित की. रीमा बोलती है लेट्स ईट समथिंग, चलो कुछ खाते हैं. तो रोहित बोलता है आई हैव एन एप्पल, मेरे पास एक एप्पल है. तो रीमा बोलती है व्हाट्स द कलर ऑफ द एप्पल, उस एप्पल का कलर क्या है. तो रोहित बोलता है रेड, RED, रेड कलर है उसके एप्पल का. ओके, तो रीमा बोलती है आई हैव अ येलो बनाना, लेट्स ईट इट. अब रोहित के पास येलो रेड कलर का एप्पल है और रीमा बोलती है कि मेरे पास येलो बनाना है, चलो इसे खाते हैं. अब क्या होता है कि रीमा ईट्स द बनाना एंड थ्रोज द पील ऑन द ग्राउंड. पील मतलब जो छिलका होता है बनाना का, वो उसे खाने के बाद, बनाना खाने के बाद उसे ग्राउंड के ऊपर फेंक देती है. रोहित बोलता है इट्स अ बैड हैबिट, पिक इट अप. स्टूडेंट्स, कोई भी चीज़ फेंकना यहाँ वहाँ एक बैड हैबिट है. जैसे ही रीमा ने किया तो रोहित उसे बोलता है कि ये बनाना का पील फेंकना गंदी आदत है, उसे उठाओ. तो रीमा हंसने लगती है, लाफ्स. आई हैव नो टाइम, वो कहती है मेरे पास टाइम नहीं उठाने के लिए, और वो वहाँ से भाग जाती है. रन्स एंड स्टेप्स ऑन द पील एंड स्लिप्स. वो भागने ही लगती है, तो वैसे ही जहाँ पे वो छिलका पड़ा होता है ना, उसके ऊपर पाँव रख देती है भागते, और वो गिर जाती है, स्लिप हो जाती है. तो रोहित बोलता है, रोहित उसे हेल्प करता है टू गेट अप, उसे उठाने के लिए वो हेल्प करता है. नाउ पिक इट अप एंड पुट इट इन द डस्टबिन, और वो उसे कहता है कि चलो अब उसे उठाओ और डस्टबिन में फेंको. रीमा बोलती है यू आर राइट, तुम सही हो.
वेयर इज़ द डस्टबिन, डस्टबिन कहाँ है? तो रोहित बोलता है इट्स हेयर, रीड व्हाट्स व्हाट इज़ रिटन ऑन इट। अब वो बोलता है कि ये रहा डस्टबिन और पढ़ो ऊपर क्या लिखा है उसके। तो रीमा लाउडली पढ़ती है कीप द प्लेस क्लीन, उस डस्टबिन पे क्या लिखा था, कीप द प्लेस क्लीन। ओके, सो ये स्टोरी है, इससे हमें ये सीख मिलती कि हमें कोई भी कचरा गंदगी नहीं करनी चाहिए, जो है वो डस्टबिन में डालना चाहिए। राइट, थैंक यू।